बाजी, भाई का जहाज कब तक आएगा? तुम बातें कम करो और हाथ तेज चलाओ। वो एयरपोर्ट पहुंचते ही मुझे कॉल करेंगे। मेरे हाल से 3-4 घंटे की फ्लाइट होगी। जहाज भी क्या चीज है, 3-4 घंटे में तो हम लांडी से भी वापस ही आते। कभी भाई के घर जाना होता है ना, अल्लाह की पना, बसों का झंझट करना पड़ता है। क्या बताऊं आपको। तुम्हें कहाँ जाना है, तुम जल्दी जल्दी काम निपटाओ। बाजी काम तो हाथों से कर रही हूँ, बातें करती रहूंगी तो काम का पता भी नहीं चलेगा। हेलो। घर कब तक पहुंचेंगे? सारा घर आपका इंतजार कर रहा है। ओके ठीक है, टेक केयर। लो पहुंच गए एयरपोर्ट। बाजी आपने झूठ बोल दिया कि सब इंतजार कर रहे हैं। अरे तो और क्या कर रहे हैं हम? हम तो घर का काम कर रहे हैं। तुम्हें बस कुछ ना कुछ बोलने का मौका चाहिए। एक काम करें बाजी, आप ये सब छोड़ें और जाके तैयार हो जाएं। भाई आएंगे तो घर को नहीं देखेंगे, साल बाद आ रहे हैं आपको देखेंगे। कह तो तुम ठीक रही हो, जब तक तुम सैलेड काट लो, मैं जब तक बच्चों को तैयार करके आती हूँ। ठीक है। अब कपड़े गंदे मत करना, पापा आने वाले। ठीक है मम्मा। पापा बहुत सारी चीजें लाएंगे ना। मामा पापा मेरे लिए भी बहुत सारे खिलौने लाएंगे ना। हाँ बेटा, आप दोनों के लिए बहुत सारी चीजें लेकर आएंगे। अब आप दोनों बाहर जाओ, मैं जब तक तैयार हो रही हूँ। ठीक है। आशीर रजा, देखो पापा आ गए। पापा। ओए लो बच्चों, और कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। कैसा रहा सफर? सफर बहुत अच्छा रहा। चले अंदर चले। चल। अच्छा गुजरा। बहुत मिस किया आपको हम सबसे। हाँ चले ना अंदर चले। चलो बेटा। अरे भाई तुम लोगों के लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लेकर आये हो। ओह पॉपकॉर्न के खिलौने बड़े अच्छे अच्छे। अरे बस कर दो, कुछ पकाने को ले आओ। क्या पूरा अखबार चाट के छोड़ोगे? जरूरत है रिश्ता का इश्तेहार पढ़ रहा हूँ। भाई किसके लिए? अपने लिए और किसके लिए। वैसे तो हर उम्र के रिश्ते दरकार हैं। रस्सी जल गई पर बल ना गया। जिस रस्सी के सिरे पे तुम जैसी चंगारी उम्र से चिपकी हुई हो, अरे उस रस्सी ने तो आखिर एक दिन जल नहीं है ना, हैं? अच्छा फोन उठा के दो, इस उम्र में पता नहीं किसका फोन आ गया। मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, हसरतें पूरी ना हुई तुम्हारी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अरे शमाइला बेटी कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अम्मी कहाँ है? अरे हम भी तो तुम्हारे अब्बा हैं, हमें बता दो। वैसे एक बात है, कान लगाए तुम्हारी अम्मा फोन ही को ताड़े जा रही हैं। शुमाइला का फोन है, ला मुझे दो इधर। अरे अरे ये लो ये लो। हाँ शुमाइला कैसी है? अम्मी अजहर आ गए। अच्छा कब? अभी कुछ देर हुई है, मैंने सोचा कि आपको बता देती हूँ। ला मेरी बात करवा जरा।
अम्मी अभी रहने दें, आप शाम को आएंगी ना तो तब बात कर लेना, अभी मुझे बात करने दें। अरे बड़ी कमीनी है तू। माँ पर गई है ना। अच्छा आप लोग आ रहे हैं ना शाम में? हाँ हाँ क्यों नहीं, पूरे एक साल के बाद आया मेरा बच्चा। ठीक है अम्मी, ओके खुदा हाफिज। हाँ ओके अल्लाह हाफिज। शुमाइला बता रही थी अजहर आया हुआ है दुबई से। शुमाइला जो कुछ कह रही थी आपके चेहरे की स्क्रीन पे लिखा हुआ देख रहा था मैं, और मैंने पढ़ भी लिया था, और जब आप मक्खन लगा रही थी तो हमें यकीन हो गया था कि मौसूफ दामाद आए हैं। अच्छा बस करो, चलना है शाम में हमें। देखें शादी के बाद माँ बाप लड़की को पल्लू के साथ बांध देते हैं, लेकिन मेरी माँ ने तुम्हारे पल्लू के साथ मुझे ऐसा बांधा के साथ कह दिया सब कुछ छोड़ देना, पल्लू ना छोड़ना। हाय हाय, इतने फरमा बरदार होते तो क्या बात थी। फरमा बरदार होते, ताबेदार तो हो सकता हूँ, फरमा बरदार तो औलाद होती है। हमारी बिटिया ने बहुत अच्छा खाना बनाया आज। सच्ची बात है, तेरे आने से मुझे इतनी खुशी होती है, मेरा तो आधा किलो खून बढ़ जाता है भाई, मैं तो टेंशन फ्री हो जाती हूँ। हालांकि तुम्हारे जाने के बाद ये हमें टेंशन देती हैं, बाकी तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहती हैं। कहती हैं शमाइला को देख के आ जाओ, उसके बच्चों की खैरियत मालूम कर लो, वो बेचारी अकेली हैं। अब्बू अम्मी को फिक्र होती है तो कहती है ना। हाँ हाँ इसमें कोई शक नहीं, फिक्र है, और अगर मुझे फिक्र लाहक हो मैं ये कहूँ कि तुम जाके कभी देख के आ जाओ, फौरन दोनों घुटने पकड़ लेती हैं, अरे मुझसे कहाँ चला जाता है, अगर मैं चल सकती तो तुमसे कहती। अबू आप अम्मी को क्यों तंग करते हैं? अरे मैं तुम्हारी माँ को कहाँ तंग करता हूँ, अलबत्ता हर महीने इनके कपड़े तंग हो जाते हैं। नानो कपड़े भी तंग हो जाते हैं। अच्छा अब आना तू नानो के पास चीज लेने के लिए, फिर बताऊंगी। नानू आप नाना से लड़ती क्यों रहती हैं? अब बच्चे भी तुम्हें समझने लगे हैं। हाँ बच्चों को वर्गला के अपने साथ जो मिला लिया। नहीं बेटा नानू लड़ती थोड़ी है, यही तो प्यार है जो तुम्हारी नानू और नाना में अब तक कायम है। ठीक कहते हैं तुम्हारे पापा, जब तक तुम्हारी नानू तुम्हारे नाना को रोजाना दो चार अच्छी खासी सुना ना दे तुम्हारे नाना को नींद नहीं आती। तौबा तौबा, तीसरे घर तक कराटों की आवाजें जाती हैं। अब्बा मेरा ख्याल है मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद आप लोग शुमाइला के पास रह जाएं। मैं तो कई बार कह चुकी हूँ कि शुमाइला का अकेलापन भी दूर हो जाएगा और बच्चों में हमारा दिल भी लग जाएगा। बेटा नींद तो अपने घर में अच्छी आती है, मगर मेरी नींद तो उड़ जाती है ना फिक्र में। तुम्हें खुद अपने खराटों की आवाज जो सुनाई नहीं देती। अबू वैसे अजहर ठीक कह रहे हैं। अब तो 3 वोट हो गए भाई, चलो देखते हैं सोचते हैं इस बारे में भी, लेकिन अभी तो अजहर यहीं है, जब अजहर जाएंगे तो फिर इसके बारे में देखा जाएगा। अबू आप सोचिए जरूर। भाई जल्दी से खाना खा लो भाई, घर चलेंगे तुम्हारी सुनेंगे, चलें। बाजार तक जा रही हूँ, आ जाऊंगी बेटा। मामा मैं भी चलूं? नहीं बेटा अभी आप लोगों की ट्विटर आने वाले हैं, आप लोग पढ़ना, जब तक मैं आ जाऊंगी। हेलो, परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारी बेटी शुमाइला मेरे पास है। कौन हो तुम? आज तो मजा आ गया भाई। शुमाइला मैं सोच रहा था कि तुम्हारी अम्मी अब्बू में इस उम्र में भी कितना प्यार है। आपको ही नजर आता है, वरना तो सारा दिन उलझते रहते हैं एक दूसरे से। यही तो आप नहीं समझती हैं, यही नोक झोंक तो उन्हें बोर नहीं होने देती। हाँ ये बात तो सच है, हम वहाँ चले जाएं या वो यहाँ आ जाएं बोरियत नहीं होती। आपके अब्बू बहुत जिंदा दिल हैं, अगर वो संजीदा हो जाएं तो तन्हा हो जाएं, और तन्हाई क्या कोई हमसे पूछे। आपसे क्यों पूछे, क्या मैं तन्हाई नहीं काट रही? सच है सर, कभी कभी तो दिल करता है कि आपको वापस यहाँ बुलवा लूं, और कभी नहीं जाने दूं। आप क्या समझते हैं, आप लोगों से दूर रहकर खुश हूं मैं, पर क्या करूं मजबूरी है। अच्छा सुने,
आप इतना संजीदा गुफ्तगु मत करें कि आपके पास रहकर भी तन्हाई रहे। कभी कभी पास रहकर गुफ्तगु करना भी अच्छा लगता है। अरे वहां तो ये भी नसीब नहीं है जनाब। फिकर ना करें, इस महीने आपके नसीब में बहुत कुछ होने वाला है। ओहो, मैं तो भूल ही गया था कि आप जनाब भी हैं। मैं भूलने दूंगी तो आप भूलेंगे ना। अच्छा अच्छा, एक काम करें। जी बोले। एक कप गरम गरम चाय पिला दो। आप चेंज करें, मैं अभी लेकर आती हूँ। ठीक है। शाबा अजहर, अजहर से रजा के पास। अजहर और सुमैला की शादी को 12 साल बीत गए थे। इस दौरान उनके घर आशिर और रजा की सूरत में दो फूल खिले, जिनके मुस्तकबिल के लिए अजहर गुज़िश्ता 7 साल से दयारे गैर यानी दुबई में मुकीम था। साल में एक महीने के लिए पाकिस्तान आता तो बीवी बच्चों के पास आकर ऐसा लगता जैसे सारे जहां की खुशियां उसके दामन में सिमट आई हैं। अरे चले हम भी खेलते हैं, हो सकता है वर्ल्ड कप में चांस मिल जाए। जरा ख्याल से जाना, कहीं फुटबॉल के साथ अपनी टांग भी ना उड़ा देना। आइए अंकल। चोट तो नहीं लगी? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरा डोना भी तो इसी तरह गिरता था। अक्टूबर 2013 को भी अजहर पाकिस्तान आया। 30 दिन 30 घंटों की तरह गुजर गए और वापस दुबई जाने का वक्त जब करीब आया तो फिर से पूरे घर को उदास कर गया। लेकिन क्या करता, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अपने हाल की कुर्बानी तो बहरहाल देनी थी। ये लीजिए। एक महीना गुजर गया, वक्त का पता ही नहीं चला। सही कह रही हो, इसे एक महीने का पूरे साल इंतजार रहता है, लेकिन एक महीना ऐसे गुजर जाता है जैसे 30 दिन नहीं 30 घंटे हो। आप पाकिस्तान में कोई काम क्यों नहीं कर लेते, या फिर हमें वहां बुलवा लें? तुम्हें वहां बुलवा लूं तो एक रुपया नहीं बचेगा, बहुत महंगाई है वहां पर, और पाकिस्तान में काम करने के लिए अभी हालात साजगार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम पापा। अस्सलाम वालेकुम मामा। आगे मेरे बच्चों, तुम लोग मुंह हाथ धो लो, कपड़े चेंज कर लो, मैं तुम लोग के लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है बच्चों, जाओ। आती है मामा। जाओ। ये बच्चे पढ़ने में कैसे हैं? रजा तो ठीक है, लेकिन अशर कुछ लापरवाह। आप जो सर पे नहीं है, मेरे तो काबू में नहीं आता। तुम ऐसा करो, एक ट्यूटर का बंदोबस्त कर लो, काबू में आ जाएंगे। सोचा था, लेकिन कोई लेडीज ट्यूटर घर पे आने को तैयार नहीं, और मैं किसी मर्द को घर पे बुलाना नहीं चाहती हूँ। अरे तो घबराने की क्या बात है, और वैसे भी अब तो आपके अम्मी अब्बू घर पर आ रहे हैं। मैं ऐसा करता हूँ, असलम से बात करता हूँ, उसके यहाँ ट्यूटर पढ़ाने आता है, बड़ी तारीफ कर रहा था उसकी। अच्छा ठीक है, आपकी परसों की फ्लाइट है ना? हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अब टाइम बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ आज ही ट्यूटर से मिल लेता हूँ। अम्मी अबू को भी कल ही शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पर। हाँ ठीक है। नहीं, मोस्टली मैं ए और ओ लेवल्स को ही पढ़ाता हूँ। तो कब से पढ़ा रहे हैं आप? यही बस कोई 3-3.5 साल जो है मैंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये रजा है और ये आशिर है। आए बेटा, बैठे प्लीज। आए। सलाम बैठे। अच्छा जी, आप कौन सी क्लास में? मैं 7th। और आप? 4th। गुड। बेटा अभी आपकी टीचर है और आपको सारा स्कूल का काम अब यही करवाया करेंगे। पापा मैं तो खुद कर लेता हूँ, आशिर नहीं करता। मैं भी कर लेता हूँ। नहीं करेंगे तो ये मारते भी हैं। क्या मारते भी हैं? नहीं नहीं बेटा, मारता नहीं हूँ। अरे आप क्यों डरा रही हैं बच्चों को मुझसे? अच्छा बेटा ये बताइए, आप कौन से स्कूल में? अजहर अली छुट्टियां गुजारकर वापस दुबई चला गया। बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए जाते जाते एक ट्यूटर का भी इंतजाम कर गया, जबकि सुमैला और बच्चों के अकेले होने की वजह से अजहर ने सुमैला के वालदैन अफजाल अहमद
और जुलेखा बेगम को भी अपने घर मुंतकिल करवा दिया था ताकि शुमाइला और बच्चों की सरपरस्ती हो सके। 3-4 माह का अरसा तो बहुत खुशगवार गुजरा, लेकिन फिर अचानक 20 जनवरी को सारी सूरत हाल एकदम तब्दील हो गई। अम्मी, अम्मी। हाँ, क्या हुआ? कहीं जा रही हो क्या? जरा काम है, मार्केट तक जा रही हूँ। कब तक आओगी? आ जाऊंगी, आप फिक्रमंद क्यों होती हैं? अरे बेटा, जमाना बहुत खराब है ना। अम्मी, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ। वो तो मुझे मालूम है। मामा कहाँ जा रही है? बाजार तक जा रही हूँ, आ जाऊंगी बेटा। मामा मैं भी चलूँ? नहीं बेटा, अभी आप लोगों के ट्विटर आने वाले हैं, आप लोग पढ़ना, जब तक मैं आ जाऊंगी। अम्मी मैं जा रही हूँ, ठीक है? नानी मेरे लिए जूस बना देंगी? मैं अपने रूम में जा रही हूँ। चलो सही। अज़हर अली जो 7 साल से अपनी वाइफ को छोड़ के अब्रॉड जो है वो वहाँ पर सेटल हुए हुए हैं कमाने के सिलसिले में, इस तरह के लोगों के हवाले से ज़्यादा ये होता है कि वो अपनी फैमिली को थोड़ा इग्नोर कर रहे होते हैं। एक तो उनकी जो हेड ऑफ़ फैमिली मेंबर की जो पोजीशन है वो भी वहाँ पर खाली होती है, और इस चीज़ को अगर वो जब भी कभी अपनी फैमिली से मिलते हैं, अपनी फैमिली को इससे इंटरेक्ट करते हैं, अगर उस कमी को पूरा ना करें तो फैमिली बहुत ज़्यादा इसकी वजह से मुतासर होती है। फिर आप कहीं जाते क्यों नहीं? ना जाने मेरी बच्ची ने पता नहीं कैसे रात गुजारी होगी। अरे किसी से मालूम तो करें, वैसे तो बहुत अकलमंद बनते हैं आप। अरे कौन सी जगह छोड़ी है मैंने? किससे मालूम नहीं किया? अब दोबारा पूछूंगा तो क्या बदनामी नहीं होगी? अब तो बस एक ही जगह रहती है, अस्पतालों में जाके चेक कर लेता हूँ। चलो मैं भी चलता। नहीं नहीं नहीं, तुम बच्चों के पास रहो, उनको हौसला दो, मैं देख के आता हूँ। हेलो। परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारी बेटी शुमाइला मेरे पास है। कौन? कौन हो तुम? पहचान सकते हो तो पहचान लो, लेकिन तुम्हारी बेटी का दुश्मन नहीं हूँ। मेरी शुमाइला से बात करवाओ। जोर से मत बोलो, पड़े पेपड़े फट जाएंगे। तुम्हें बताया इसलिए है कि कोई कार्रवाई नहीं करो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। हेलो, हेलो, हेलो। कौन था ये? कौन था? शुमाइला तो खैरियत से है ना? क्या कह रहा था? किसी ने शुमाइला को अगवा कर लिया है। मैं ऐसा करता हूँ, असद साहब को फ़ोन करके कह देता हूँ, कहीं खुदा ना खास्ता पता नहीं वो कैसे लोग हैं, कुछ ना कुछ कर दें वो। मेरा शोहर मुझ पे जुल्म करता था, मुझे मारता पीटता था। मामा ने उनको डांटा भी था। मगर क्यों? उन्होंने मामा का हाथ पकड़ लिया। अच्छा, तो कॉल अननोन नंबर से आई थी? जी जी, अननोन नंबर से कॉल आई थी। अच्छा, आप ये बताएं कि आपके घर में मुलाजिम कितने हैं? कुछ खास नहीं जी, एक पुरानी मुलाजमा है। आपके यहाँ किसी का आना जाना है? बच्चों को पढ़ाने के लिए उनका टीचर आता था, इसके अलावा हमारे घर में कोई भी नहीं आता, मगर कल से वो भी नहीं आया। आप ऐसा करें कि मुझे दोनों नंबर दें, एक तो वो जिस नंबर से कॉल आई थी और दूसरा उस टीचर का, मैं देख लेता हूँ। वैसे बच्चे कितने हैं? बड़ा 10 साल का, छोटा 8 साल का। ये हैं जी दोनों नंबर। ठीक है, मैं रिपोर्ट लिख लेता हूँ। अगवाकार कौन है ये तो मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद ही पता चल सकेगा। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि जिस दिन से शुमाइला अगवा हुई उसी दिन से बच्चों के ट्विटर भी घर नहीं आ रहे। पुलिस ने शक की बुनियाद पर जब टीचर के घर छापा मारा तो शुमाइला भी टीचर के घर से बाजियाब हुई। अब केस की सूरत हाल तब्दील हो चुकी थी। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर,
शुमाइला अपनी मर्जी से मेरे साथ आई थी, मैंने उसका अगवा नहीं किया है और उससे शादी करना चाहता हूँ सर। अरे चुप, बकवास करता है। एक शादीशुदा औरत जो दो बच्चों की माँ है उसके साथ शादी करेगा जिसका शोहर भी अभी जिंदा है? सर एक्चुअली शुमाइला ने कहा था कि वो अपने शोहर से तलाक ले लेगी फिर हम शादी करेंगे, शुमाइला ने कहा था ऐसा। अगर तूने उसे अगवा नहीं किया था तो अननोन नंबर से कॉल किसने की थी? बोलता क्यों नहीं है? बोल सर वो मैंने कल रात को डिनर बहुत अच्छा बनाया था। You're most welcome, darling. ये बताओ घर कैसा लगा तुम्हें? घर नहीं, मुझे आप पसंद आए, इसीलिए तो बच्चे शौहर माँ बाप सब कुछ छोड़ाई, लेकिन मुझे डर लग रहा है। किस बात का? घर वाले कोई हरकत ना करें, मेरा मतलब है पुलिस वगैरह। देखो अजहर तो दुबई से आएगा, तुम्हारे अब्बा बदनामी के डर से कुछ नहीं करने वाले जब तक हम दोनों शादी कर लेंगे। तुम अम्मी को नहीं जानते। अच्छा लाओ नंबर दो अपने अब्बू का, अभी ये मसला भी हल कर देता हूँ। कॉल करोगे उन्हें? नंबर तो दो। अगर तुम्हारी आवाज पहचान ली तो? आवाज ऐसी बदलूंगा तुम भी नहीं पहचानोगी, नंबर तो दो। ठीक है लिखो। हेलो, परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारी बेटी शुमाइला मेरे पास है। अच्छा आवाज बदलता है, अब देखना हम तेरा क्या क्या बदलते हैं। ले जाओ इसे। जी सर। और जरा उस बेवफा नागन को तो लेकर आओ। ओके सर, चलो मैं। मेरा शोहर मुझ पे जुल्म करता था, मुझे मारता पीटता था। अगर तेरा शोहर जालिम था तो तू अपने बच्चों को लेकर माँ बाप के घर भी तो जा सकती थी। मेरे माँ बाप भी मेरे ही दुश्मन थे, कत्ल करना चाहते थे वो मुझे, वो भी मेरे शोहर के साथ मिले हुए थे। सर जिस औरत ने अपने बच्चे ही छोड़ दिए उसे और कौन अच्छा लगेगा सिवाय अपने यार के। ठीक कहा तुमने, माँ बाप दुश्मन शोहर भी दुश्मन, दोस्त मिला तो सिर्फ जुनेद ही क्यों? मुझे अपनी गलती का एहसास है। एहसास ही तो नहीं है तुझे, जमीर मर गया है तेरा। घर से भागने के साथ साथ अब तुझ पर हुदूद ऑर्डिनेंस भी लगेगा। ले जाओ इसे। चलो बीबी। शुमाइला की बातों ने पुलिस को इस केस में उलझा दिया था। पुलिस ने इस उलझन को दूर करने के लिए जब शुमाइला के वालदैन और उसके बच्चों से राब्ता किया। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप कम से कम एक दफा उससे मिलवा तो दें। दुनिया में ऐसे कौन से माँ बाप होंगे जो अपनी औलाद को कत्ल करने का सोच सकते। इंस्पेक्टर साहब हम दोनों जिंदगी के उस स्टेज पर हैं, चलना तो क्या अपनी मर्जी से खड़े भी नहीं हो सकते, किसी को मारना तो क्या अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकते। हाँ अलबत्ता मौत का इंतजार कर रहे। नाना आप क्यों रो रहे? नहीं बेटा नहीं, अंकल को सलाम करो। सलाम अलैक। वालेकुम सलाम। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेवेंथ। और आप? फोर। माशाल्लाह आप दोनों भाई बहुत समझदार और बहुत क्यूट हो। अफजल साहब मुझे इन दोनों बच्चों से तन्हाई में बात करनी है। जी जी जरूर आइए। थैंक यू। बेटा आपके अब्बू कहाँ हैं? मेरे पापा वो तो दुबई में। आपको अपने अब्बू अच्छे लगते हैं ना? बहुत ज़्यादा।
और वो हमारे लिए बहुत सारे खिलौने लाते हैं। दिखाऊं क्या आपको? नहीं, फिर कभी। अच्छा बेटा ये बताओ कि तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारी मामा को कभी मारा है? नहीं नहीं, हमारे पापा किसी को भी नहीं मारते। अच्छा बेटा, आपके टीचर आपको मारते थे? तो आपकी मामा ने उन्हें मना नहीं किया? मामा ने उनको डांटा भी था। मगर क्यों? उन्होंने मामा का हाथ पकड़ लिया। कैसे पकड़ा था बेटा? वो मैं बात कहूं, तुम्हारे हाथ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मामा, नानू बुला रही है। तुम जाओ, मैं आ रही हूं। क्या कर रहे थे? बच्चा देख रहा था। बच्चा ही तो है। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजिमा शुमाइला ने गिरफ्तारी के बाद अपने वालदैन और शोहर पर संगीन इल्जामात लगाते हुए बताया कि उसका शोहर अजहर अली उसके साथ बहुत मारपीट करता था, जबकि उसके वालदैन भी दामाद का साथ देते हुए उसे कत्ल करना चाहते थे। लेकिन पुलिस अफसर ने मामले की तह तक पहुंचने के लिए उसके वालदैन और बच्चों से मालूमात हासिल की तो मामलात बहुत हद तक साफ हो गए। और फिर जब मुलजिमा से सख्ती से पूछगिछ की गई तो मुलजिमा ने अपने जुर्म का इतराफ़ करते हुए बताया कि जुनेद इसके बच्चों को पढ़ाने आता था, जिससे इसकी मुलाकातें होने लगी और ताल्लुकात आगे बढ़ते चले गए। बेसिकली जो शुमाइला हैं वो एक उस मोरालिटी प्रिंसिपल जो कि हमारी सोसाइटी कहती है कि अखलाकियात जो है वो लोगों में होने चाहिए, अपने रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग इंसान में होनी चाहिए, उन सारे रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग को उसने जो है वो ख़त्म करके वो अपने रिश्ते की जो एक इज्जत एहतराम होता है उस रुतबे को उसने ख़त्म किया, चाहे वो बच्चों के साथ है, चाहे वो उसके शौहर के साथ है या उसके अपने इन लॉज के साथ है। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए। टीचर जिस तरह कहते हैं कि हमारी सोसाइटी को लेके चलने वाले लोगों में से एक है, लेकिन जहाँ पर एक शख्स जिसके अंदर अपनी नफसी ख्वाहिशात का आना शुरू हो जाए, कि इड इम्पल्सिस का जनरेट होना शुरू हो जाए, कि वो अचानक से एक शादीशुदा खातून में दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है और वो ये भी देख रहा है कि वो जिन बच्चों को वो पढ़ा रहा है वो उनकी माँ है, तो वो इंटरनली ये फील करता है कि इस खातून के अंदर किसी ना किसी चीज़ की लैकिंग है। अब कुछ नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत मुश्किल है, 10 सवाल उठेंगे। तुम इतनी घटिया हरकत करोगे, मैं सोच भी नहीं सकता था। ये क्या कर रहे हो? हाँ, अब तक काम दिखाओ। ये लो, करके दिखाओ। ये बैठे नहीं रहा करो, समझ गया ना? चाय। मुझे तो लगा आज ऐसे ही जाना पड़ेगा। ऐसे कैसे जाने दूंगी आपको चाय के बगैर? चलो भाई, तुम लोग छुट्टी करो। शाबाश। चलें बेटा, आप लोग जाओ। ये पकड़ो सब, चलो भागो। बस बस, चलो सही है, ठीक है। देखा कितनी जल्दी है इनको छुट्टी की, चले गए जल्दी जल्दी। आप इतने मसाइल को अकेले कैसे फेस कर लेती हैं? मजबूरी है। अब तो फिर भी अम्मी अबू आ गए, वरना बच्चों के साथ मैं पहले बहुत अकेली थी। जब ट्यूटर की जरूरत नहीं थी, आप जो नजर नहीं आए। सच कहूं, दुख होता है तुम्हें देखकर। इतनी खूबसूरत लड़की, वो भी अकेली। तुमसे भी कहीं ज्यादा दुख मुझे है। भुगत जो रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि ट्यूटर आप जैसे भी होते हैं, वरना अम्मी अब्बू को यहाँ नहीं बुलाती। अब कुछ नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत मुश्किल है, 10 सवाल उठेंगे। तो फिर क्या? नहीं देखो,
हम कब तक एक दूसरे को झुठलाते रहेंगे? हम रोज एक दूसरे को देखते हैं, तुम अपने रिश्ते में बंधी हुई, मैं अपने रिश्ते में बंधा हुआ हूँ अकेले। और ऐसी शादी का फायदा क्या है? तुम्हारा शौहर साल में सिर्फ एक हफ्ते तुम्हारे लिए निकालता है। जी अम्मी आई। सुमाइला हेलो। मैंने कहा है ना कि रात को फोन मत किया करो। यही तो फुर्सत का टाइम है। मुझे फिर सारी रात नींद नहीं आती है। क्यों, सो जाया करो, मैं तो सो जाती हूँ। तुम सो सकती हो, मैं कैसे सो जाऊं? सुनो, इस हफ्ते फाइनल कर लो प्लीज। लेकिन होगा कैसे? कैसे क्या मतलब, हुला ले लो और क्या। तो पहले हुला लेनी पड़ेगी। तुम हिम्मत करो, मैं सब कुछ करा दूंगा। पहले तुम अलग घर ले लो, रहेंगे कहाँ? घर है मेरे पास, हम शादी कर लेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं भी घर छोड़ने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ अपनी एक नफसी ख्वाहिश को उसने देखते हुए वो एक ऐसे बंदे में इन्वॉल्व हो गए जिसको कि वो जानती भी नहीं है, जो कि उसके बच्चों का एक टीचर है। और अपनी इस नफसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसने यानी एक इलीगल वे से उसने एक प्लानिंग बनाई कि वो किसी भी तरीके से जो है वो अपने इस मकसद को पूरा करे, और वो रॉन्ग वे में उसने जाके उसने अपने किडनैप होने का जो एक सीन है वो क्रिएट करवाया। वालेकुम सलाम। आप कौन? मैं शमाइला का शौहर हूँ, अजहर अली। ओ, तशरीफ रखें जी, फरमाइए। मुझे आप एक बार शमाइला से मिलवा दें। आपको किसने बताया? अफजाल साहब ने। मैं घर पहुँचा तो पता चला शमाइला थाने में है। प्लीज एक बार मुझे उससे मिलवा दें। ठीक है, मैं आपको उससे मिलवा देता हूँ, ताकि आप दोनों मिलकर कोई समझौता कर लें। यह भी सिर्फ उन बच्चों की खातिर, क्योंकि उन बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अपने जज्बात काबू में रखिएगा, ऐसी कोई हरकत ना हो जिसकी वजह से हमें कोई हरकत करनी पड़ जाए। जी अब बेफिक्र हो जाए। शमाइला, मुझे ये बता, किस जुर्म की तुमने सजा दी है मुझे और मेरे बच्चों को? तुम्हारे खातिर बाहर गया, गैरों की बातें सुनी, मजदूरियां की, सिर्फ तुम्हारे और बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर किस चीज की कमी थी? बस एहसान मत गिनवाओ अपने, ये बताओ कि मुझे क्या मिला? तन्हाई, इंतजार, बच्चों की खिदमत, यही करवाना चाहते थे तुम मुझसे? साल भर के इंतजार में एक महीने के लिए आते थे, वो भी 15 दिन रिश्तेदारों के लिए, और मेरे हिस्से में 15 दिन? 7 साल में 7 महीने एक औरत के लिए काफी है? तन्हाई तो मैंने काटी है। मुझ पे कोई एहसान नहीं किया है? कैसी माँ हो तो? तुम्हें बच्चों का भी ख्याल नहीं आया? अरे माँ तो कुर्बानी का दूसरा नाम है। तुम इतनी घटिया हरकत करोगे मैं सोच भी नहीं सकता था। ये तुम्हें दुबई जाने से पहले सोचना चाहिए था, जब तुम मुझे परिंदों की तरह कैद करके गए थे। अपने गुनाहों पे पर्दा डालने के लिए बहाने मत तराश। तुझे आजादी चाहिए थी ना? मैं तुझे आजादी दूंगा, मैं तुझे तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। थाना पीराबाद में पुलिस ने मुल्जिम जुनैद के खिलाफ शुमाइला के अगवा का मुकदमा दर्ज किया था, जिसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया। शुमाइला ने पहले पुलिस को गुमराहकुन बयान दिया था कि इसका शौहर मारपीट करता था और वालदेन उसे कत्ल करना चाहते थे, लेकिन तहकीकात मुकम्मल होने पर गवाहों और मुलजिमा के बेटों के बयान की रोशनी में अदालत ने शुमाइला को मुलजिमा करार देकर इसका चलान अदालत में पेश कर दिया। आँखों में कोई ख्वाब उतरने नहीं देता, ये दिल के मुझे चैन से मरने नहीं देता,
बिछड़े तो अजब प्यार जताता है लहजों में, मिल जाए तो फिर हद से गुजरने नहीं देता।